चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या जो तू आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। धोबी को लगा कि अब तो मेरा गधा मिल जाएगा, पंडित जी उसे जरूर ढूंढ लेंगे। तो वह अपना मोटा लट लिया और पंडित जी के घर चला गया। बेचारे पंडित जी भी बारिश से बहुत परेशान थे। उनके घर के सामने बारिश पूरा जम गया था, जिसे वह उठा उठा कर फेंक रहे थे। अब पंडित जी से बोले, धोबी ने कहा कि महाराज मेरा गधा तो नहीं मिल रहा है, आप ही ज़रा अपना पोथी देखकर बताइए, पोथी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। तो पंडित जी तो वैसे भी थक गए थे, वो गुस्से में बोले कि मैं तुम्हारे गधे के बारे में क्या जानूँ, थोड़ी ना वहाँ मेरी पोथी में कहीं लिखा हुआ है, तुम ही जाकर कहीं ढूंढो उसे कहीं तालाब के किनारे। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, तो भी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि वह कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। पंडित की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, जाके गड्ढे या तालाब के किनारे अपने गधे को ढूंढो। तो धोबी को लगा, चलो मैं ही तालाब के पास चले जाता हूँ और अपने गधे को ढूंढता हूँ करके, और वो तालाब के पास चले गया। अब वहाँ टिपटिपा के डर से वो बाघ तो वो घास में छुपा बैठा था। अब धोबी को तो बारिश में पता ही नहीं चला, उससे लगा कि यही मेरा गधा है। उसने बाघ को ही गधा समझ लिया। अब वो तो बहुत गुस्से में था ही, उसने जोर जोर से अपने लट से उस बाघ को मारना शुरू कर दिया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुंबर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए बीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब बाघ तो टिपटिपा के डर से वहां छुपा बैठा था, उसे लगा कि यही टिपटिपा है। तो वो सोचा कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मैं तो चुपचाप ही रहता हूँ, नहीं तो ये तो मुझे हरा देगा। अब धोबी तो गुस्से में था ही, तो वो बोला कि बाघ को कि तुमने आज तो मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तुम्हें मार मार के ठीक कर दूँगा करके। अब उसका कान पकड़ा बाघ का और उसे अपने घर के आंगन में खूंटे से बांध दिया। बेचारा बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। जब सुबह हुई और गांव वाले
ने देखा कि अरे बाहर कौन बंधा है, ये तो बाघ है, वो भी खूंटे से बंधा है। यह कहानी गिरजा रानी अस्थाना द्वारा लिखी गई है।